भैया आप राजवीर भाई से कैसे मिले? प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन, व्हाई डिड यू हैव सर्जरी, व्हाट हैपेंड टू यू? हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो मेरे सारे भाई? सॉरी पहले तो हे गाइज नहीं, हे भाई वेलकम बैक टू माय चैनल, क्योंकि मैं एक दो वीडियो से बोल रहा था जैसे कि हेलो गाइज, तो मेरे बहुत सारे भाई कह रहे थे मयंक भाई ये गाइज वाइज मत बोलो, हम आपके भाई हैं, तो वो तो मुझे पता है भाई, तुम ऑब्वियसली बात तुम सारे भाई हो यार मेरे छोटे बड़े, तो भाई वो थोड़ी सी आदत पड़ गई थी मुझे, बट कोई नहीं, अब मैंने तुम्हारे भाई ने हाय भाई से ही स्टार्ट करूंगा सारे व्लॉग्स। तो भाई आज सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो तुम लोगों के बहुत सारे डीएम आते थे इंस्टाग्राम पर कि मयंक भाई क्यों वीडियो डालो, तुम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी इनकम कितनी है, मैं राजवीर भैया से कैसे मिला, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो भाई आज सारे कवर करूंगा। क्वेश्चन से भाई 800-900 मैं जब इंस्टाग्राम पे डालता तो भाई इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है, क्यों ये तो 2-3 घंटे की पूरी वो बन जाएगी मूवी, तो भाई हो सकता है मैं इसे 2 पार्ट्स में डालूं, या हो सकता है मैं पता भी, मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं तो इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। तो भाई क्यों ने वीडियो स्टार्ट कर, तो भाई ये रहे सारे क्वेश्चन, ठीक है तो उनको करते हैं कवर। अब सबसे पहला क्वेश्चन है भाई विनीत सिंगल, भाई रिवील योर एंड राजवीर भैया गर्लफ्रेंड। देख पहला क्वेश्चन ही कहता है क्या हमारा भाई राजवीर भैया गर्लफ्रेंड, तो जब तक वो खुद रिवील नहीं करेंगे तो भाई मैं उसमें क्या ही बोलूं, है ना। और बाकी मेरी गर्लफ्रेंड तो भाई कोई है नहीं, तुम्हारा भाई चल रहा है अभी सिंगल, अगर कोई हो अच्छी सी तो मेरी आईडी तुम्हें पता ही है mayank_8283_, तो भाई जाके उस आईडी दे देना, तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा मैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ भाई, तो भाई मेरी स्टडीज भाई मैं कर रहा हूँ BLLB, वैसे मेरी फाइनल हो चुकी है, मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट यार देखो 2 बैक के एग्जाम रह रहे हैं, तो वो हो मेरी कोविड के से पहले क्लियर हो जाती है, बट कोविड के चक्कर में मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो अब उन 2 एग्जाम्स की डेट आनी है वो मैं दे दूंगा, तो भाई मेरी BLLB क्लियर हो जाएगी और तुम्हारा भाई हो जाएगा एडवोकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीत सिंगल कितना कमाते हो? भाई कमाई का तो ऐसा सच कोई अभी तो मौज मस्ती मारने की उम्र है यार, क्या कमाई पे ध्यान देना, बट बाकी ये है कि कमा लेता हूँ, अपने खर्चे निकाल लेता हूँ खुद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन शर्मा 7674, आपकी लव लाइफ के बारे में भाई जानना चाहती है पब्लिक, जरूर बताना, और मेवाड़ में कितनी सेटिंग रही है वो भी। ये तो सीधा ही गुंडी गुंडी बातें कर रहे हैं ए भाई, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ लो, आपकी लव लाइफ के बारे में बताओ भाई, बता दो क्या भाई मेरा था 4 साल का रिलेशन, ठीक है क्या हुआ उसका? अरे वो वीडियो देख बताऊंगा भाई, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 15-20 मिनट की वीडियो है ब्रेकअप स्टोरी मेरी, उसमें मजा नहीं आ पाएगा भाई, बहुत बढ़िया स्टोरी है, तुम मतलब मोटिवेशनल भी है, तुम खुद समझ जाओ कि नहीं भाई अगर ऐसा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, अगर अब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो, ठीक है भाई। बाकी मैंने करा तो क्या ही बोलूं, अब मैं धीरे धीरे खुल जाऊंगा ज्यादा, उसकी भाई अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई Rajveer_0023, भाई आपकी 12th में क्या परसेंटेज थी? भाई मेरी 12th में परसेंटेज थी 71 है 72। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है x_sudhanshu_dot_x, भाई थोड़ा सिंपल सा रख लेता डॉट एक्स, छोटी बड़ी चेस्ट को कैसे ठीक करें? राजवीर भैया से पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपसे उम्मीद है। भाई राजवीर भैया ने एक एक चीज के ऊपर वीडियो बना रखी है चैनल पे जाओ भाई के राजवीर फिटनेस सीरीज पे, आप सबको पता ही है, तो वहां पे आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। राजवीर भैया एक एक चीज को बड़े प्यार से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन करते हैं, तो भाई उनसे बेटर आपको पता है कोई भी नहीं बता सकता, जाओ उनके चैनल पे और देख लो, पक्का मिल जाएगी वीडियो। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई राजवीर भाई का भी विकेट डाउन कराओ जल्दी जैसे आशीष का कराया, लव यू बहुत सारा। भाई आशीष का तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी यार शादी की, उसमें ना वेट नहीं हुआ, अब भाई अब घूमने गए हैं हनीमून पे हमारी भाभी के साथ, और भाई राजवीर भाई का विकेट डाउन देखो यार, अभी तो थोड़ा सा भाई का फोकस है बढ़िया बढ़िया तुम्हें वीडियो देने में, कंटेंट देने में, बाकी हो सकता है जल्दी खुशखबरी दे भी दे तुम्हें शादी की। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भाई शादी वादी कराओ यार, हम भी जरा नाचे कपड़े वपड़े बनवाए बढ़िया बढ़िया, है ना। तो भाई जो भी होगा जैसे भी होगा जल्दी अपडेट मिल जाएगी तुम्हें इस बारे में, ठीक है। आपका फ्यूचर गोल क्या है, मतलब यूट्यूब या जॉब या बिजनेस? भाई देखो जैसे कि भाई ने भी आपको बहुत बार समझाया कि यूट्यूब को एज अ कैरियर लेके कभी भी मत चलो,
ठीक है। और भाई मेरे फादर का बहुत अच्छा टच वुड बिजनेस है, मेरे फादर भी एडवोकेट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में, तीसरी मेरे फादर एडवोकेट है और हमारा अच्छा खासा बिजनेस भी है। तो भाई मैं यूट्यूब सिर्फ मैं एक अपनी मस्ती के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों को व्लॉग्स पसंद है, मस्ती मजाक पसंद है, भाई मैं इसलिए करता हूँ बस। मैं यूट्यूब का ऐसा कैरियर लेके नहीं चल रहा, इसलिए आप देखते हो मैं 3-4-5 दिन में एक वीडियो डालता हूँ। और भाई मैं इसे सिर्फ एक फन के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कैरियर लेके नहीं चल रहा। बाकी मेरी लॉ हो जाएगी तो तुम्हारा भाई अब प्रैक्टिस करेगा, एडवोकेट बन जाएगा जब, तो बढ़िया बढ़िया केस लड़ेंगे, जीतेंगे, ठीक है। तो भाई मेरा कोई ये ऐसा फ्यूचर गोल नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है memes.all.in.1 का, why did you have सर्जरी, what happened to you, वो वाली बताओ, फोटो और डाल दे। अबे जी खराब है इनका। भाई हुआ क्या था, जब भाई यहाँ नहीं थे, वो भाई के साथ जो मिस हैपनिंग हुई थी, तो उसके दौरान मैंने कुछ स्टीरॉयड्स ले लिए थे, ठीक है। स्टीरॉयड मैंने पहले भी लिए थे, कोई भाई देखो मैं झूठ तो क्यों ही बोलूं, तो उसके मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए थे। साइड इफेक्ट्स होने की वजह से मेरी सर्जरी हुई थी और भाई मेरे को डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया था। तो भाई मैंने आज तक रिवील करा नहीं था। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी फोटोज हैं कैसे कैसे मेरी सर्जरी हुई थी, वो शायद भाई के चैनल पर आएगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस चक्कर में भाई ये गड़बड़ हो गई सारी, तो मैं उसको भाई ज़्यादा बेटर से एक्सप्लेन कर पाएंगे सारा कुछ कि क्यों होता है कैसे होता है, कि भाई से बेटर नॉलेज है नहीं, तो इसमें मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा, तो ये सब भी तुम्हें खुल के भाई ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है focus.shiva_shiva, बेकार क्वेश्चन है, दूसरे पे जाओ, ये गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या पूछा, कितने इंच पता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वॉर स्टार, भैया आप राजवीर भाई से कैसे मिले, प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन। भाई देखो राजवीर भाई की जो स्टोरी है ना वो बहुत लंबी है, वो कम से कम आधे घंटे में वीडियो खत्म होगी, और मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो में राजवीर भाई साथ में बैठे हो ना, तो उस वीडियो का अलग ही धमाल होगा। जिस हिसाब से मैं मिला था ना भाई से, भाई आज तक कहते हैं कि साले तेरे जितना हरामी को नहीं देखा मैंने, जिस हिसाब से तू मेरे से मिला था, वो जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन था ना मेरे भाई के साथ, भाई आज भी कहते हैं कि भाई इतना हरामी बंदा मुझे कभी नहीं मिला। तो भाई वो मैं वीडियो 1-2 दिन में कवर कर दूंगा भाई के साथ बैठा के, कि भाई थोड़े से मुंबई गए हैं अभी, तो जैसे ही भाई उस वीडियो में मेरे साथ होंगे तो मैं भाई को बैठाऊंगा और भाई के साथ वो तुम्हें सारा बताऊंगा कि मैं भाई से कैसे कैसे मिला, तो उसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी दे दूंगा भाई वाली वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Rajesh_Sathua, होंडा सिटी में एलॉय डलवाओ। भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ना एलॉय लगते अच्छे हैं जी, कोई बात नहीं, बट मैंने कार का भी प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ, SUV होती तो उसमें भाई अच्छा लगता है नो डाउट, बट सेडान में ना यार मेरे को नहीं पसंद, जो इनमें कंफर्ट है ना कंपनी वाले एलॉय में बहुत प्यारा कंफर्ट है और बहुत डिसेंट लगते हैं, इस चक्कर में मैंने डलवा रहा है। एक बार मैं भी करोलबाग गया भी था बीच में, ये और मैं गए थे, हमारा मूड बन गया था एलॉय डलवाने का, मैं ऐसे व्लॉग बनाता हुआ भी गया था, बट वहां जाके ना फिर मैंने यार वो कंफर्ट नहीं आया, इसलिए मैंने वो एलॉय उसी दिन उतरवा दिए थे, ठीक है, तो मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, इसलिए अभी तक तो कोई प्लान है नहीं, बट आगे अगर कोई आप लोग ज्यादा इंसिस्ट करोगे या मेरा मूड बन गया तो भाई एलॉय भी डल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mayank Chauhan 06, भाभी का फेस रिवील। मैं भाभी गायब हो गई भाई, फेस रिवील कहाँ से करूं, भाभी छोड़ के चली गई, मैंने बताया था ना आईडी तुम्हें पता है, इंस्टाग्राम भी कोई हो तो भाई मोस्ट वेलकम है, बता देना आईडी दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Gaurav_Rajput_001, पता ना है कितने अंडरस्कोर है। राजवीर भैया के साथ वीडियो कब आ रही है भाई, भाई राजवीर भाई के साथ तो वीडियो आती रहती है, जब तुम जब बोलोगे तब दोबारा, आप 2-3 दिन में बना दूंगा एक भाई के साथ की मैं भाई से कैसे मिला था, तो वो वीडियो देखना और भाई बहुत धमाकेदार वीडियो होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई Thakur_G656, भाई ऐसे कैसे रख लेना, चल इस भाई का तो फिर भी ठीक है। और भाई आपकी एजुकेशन क्या है, भाई जैसे कि मैंने बताया था मैं 12th pass out हूँ और भाई अब मैं BLLB कर रहा हूँ, BLLB मेरी कंप्लीट होने वाली है, मेरे 1-2 एग्जाम्स रह रहे हैं, वो क्लियर होते तुम्हारा भाई बन जाएगा एडवोकेट लॉयर, तो तुम्हारा भाई करेगा प्रैक्टिस, फिर तुम्हें मिलेगा कोर्ट में सारे, जब कांड करके आओगे ना तुम तब बचाऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठाकुर जी का ही है, भाई आपकी दोस्ती राजवीर भाई से कैसे हुई, भाई मैंने बताया भी लास्ट क्वेश्चन जो भाई का था, तो भाई वो वाली वीडियो में बहुत जल्दी भाई के साथ बनाऊंगा। पानी तो नहीं है ब्रो, इसमें वो है मसल बड़ी चीज डाला, पीछे पड़ा हुआ मसल का, तुम्हें भाई बड़ी चीज दिखाता हूँ, ये देखो तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी अब ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज करी है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा हूँ भाई, तो मैंने मंगवाया भाई ये मसल प्लेस का 18 ग्राम का प्रोटीन शेक, अभी तुम्हें दिखाता हूँ।
तो भाई मैंने ये मंगवाया मसल, रुक जाओ पियेंगे आराम आराम से, सारे नहीं खोलने। भाई मैंने मंगवाया मसल ब्लेस का 18 ग्राम प्रोटीन शेक, आपको दिख रहा होगा। भाई ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगाया सारे, इससे पहले मैंने चॉकलेट मंगाए थे, चॉकलेट में थोड़े सोसो लगे क्योंकि भाई सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो भाई मैंने मसल ब्लेस का 18 ग्राम का प्रोटीन शेक मंगाया। सबसे अच्छी बात है भाई ये है लैक्टस फ्री, इसमें 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है और भाई इजी टू कैरी है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो इसको गाड़ी में कैरी कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। और भाई बहुत ही यम है, बहुत ही हेल्दी है। जैसे पहले की मैं गाड़ी में डाइट कोक क्या नॉर्मल पेप्सी थम्स अप मिरिंडा रेडबुल ये सब लेके चलता था, बट अब भाई थोड़ा सा जैसे कि मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर रहा हूँ तो अब तुम्हारा भाई इसको कैरी करता है। तो भाई एक बार मेरे कहने पर ट्राई करो, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, इजी टू कैरी है, लैक्टस फ्री और 18 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। तो अगर किसी भी मेरे भाई को ये ऑर्डर करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो। और अगर कोई भी मेरा भाई मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसको बाय करेगा तो वहां पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना Mayank30, ठीक है? तो आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट से इसको बाय करो और ले तू इसे पियो, ठीक है? तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई टेस्ट बता कैसा है? जेन्युइन एकदम, एक नंबर है ना, बढ़िया, ऐसा हो रहा भाई लस्सी पी रहे हो। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई का, आई दिव्यांश गुर्जर, एलॉय व्हील कब डलवाओगे? एलॉय व्हील का भाई मैंने बता दिया, कैसे करोगे गाड़ी में एलॉय व्हील डलवा के मानोगे? सारे भाई एलॉय व्हील _._harshit_._. भाई राजवीर भाई वाली वीडियो कब आएगी? भाई राजवीर भाई वाली वीडियो जल्दी आएगी, 2-3-4 दिन में भाई बॉम्बे से आ जाए, तो जैसे ही भाई आ जाएंगे मैं उनका तो वाली वीडियो बना दूंगा कि फ्रेंडशिप के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बताया मेरे भाई ने अभी तक का, कुणाल भाटी एक्स। भाई आप पतले मत हो ना, जैसे हो ठीक हो। भाई लव यू, तू है मेरा सच्चा भाई, ये तो मैं सुनना चाहता था। बट नहीं भाई यार देखो, थोड़ा सा धीरे धीरे जब ईटिंग हैबिट चेंज कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म भी होकर दिखाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम पाड़ देंगे जय बाबा की का क्या मतलब है? अब बता भाई इसका आंसर दो आप, सिस्टम पाड़ देंगे जय बाबा की क्या मतलब है? भाई सिस्टम पाड़ देंगे जय बाबा का मतलब सिस्टम पाड़ देंगे जय बाबा की, ये तो भाई ने दुनिया में डाल दी, इसका क्या मतलब होगा यार? मतलब कि कोई भी काम हो उसको एकदम एंड कर देंगे, बढ़िया कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम होगा उसको एकदम हम बोल नहीं पा रहा देख मैं यार, समझ जाओ यार मेरे मन की बात भाई, बस तूने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, _it's Vansh Kashyap यूट्यूब इनकम बताओ? भाई इतनी है अपना, 2-3 लाख रुपए आ जाती है महीने की। भाई मजाक कर रहा हूँ, यूट्यूब इनकम कुछ ऐसी फिक्स नहीं होती, व्यूअरशिप के ऊपर बात होती है। और यूट्यूब इनकम से भाई कोई बहुत लोगों के दिमाग में ना मिथ होता है कि भाई ये यूट्यूब से कितना कमा रहे कितना कमा रहे, कोई ऐसी खास इनकम नहीं होती, थोड़ा बहुत होता है कि अपने तुम छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सकते हो और भाई बाकी और कोई ऐसे फालतू खर्चे या कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम नहीं होती यूट्यूब पे, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आई लव यू एंड राजवीर भाई एज अ गुड मोटिवेटर और बड़ा भाई, आई लव यू टू मेरे भाई और राजवीर भाई की तरफ से भी तुम सबको बहुत सारा प्यार और लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई थार के शीशे जेड ब्लैक करवाओ, चारों साइड से पब्लिक देखती है अंदर, वरना भाई थार तो पूरी रेडी है, बस आगे के जो फ्रंट शीशे हैं वो 2 थोड़े से लाइट है, बाकी आपकी अर्जी मंजूर करेंगे बहुत जल्दी, इसको भी करवा देते हैं काले, क्या दिक्कत है, बहुत जल्दी जेड करवा देंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाह देख क्या क्वेश्चन करा है इनने, आदर्श ठाकुर ने करा गुड नाइट, इसने जबरदस्ती उतार दी, ठीक है भाई गुड नाइट, वैसे गुड आफ्टरनून हो रही है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? भाई देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान बनना चाहता हूँ अपने फादर की तरह, और जो मेंटली स्ट्रांग रहे और एकदम कैसी भी सिचुएशन हो उससे ना डरो और उसको एकदम बढ़िया करके उस चीज को उससे ओवरकम हो, और मतलब भाई कैसी भी सिचुएशन आए ना उससे लड़ना आना चाहिए और उससे ओवरकम करके उससे आगे निकलना आना चाहिए बहुत ही स्मूथली, तो वो मैं मेरे भाई राजवीर भैया को देख देख के मोटिवेट होता हूँ कि भाई सिचुएशन कैसी भी हो उससे डरो मत और उससे आगे बढ़ो, एकदम बढ़िया अपना माइंडसेट ऐसा रखो एकदम स्ट्रांग कि मतलब कुछ भी हो जाए तो तुम्हें वो इफेक्ट ना करे, उसको ये सोचो कि हम इससे आगे कैसे निकल सकते हैं। तो भाई ये दो ही लोग हैं जिनको मैं देख के बहुत सारी चीजें सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह ही बन। कमल राव, रूबल भाई के घर कब जा रहे हो? राजवीर भाई और मयंक ब्रो, भाई रूबल भाई घर ही ना बुला रहे यार अपने, पता ना
मजाक कर रहा हूँ भाई, रूबल भाई तो बहुत बार बोलते हैं कि आ जाओ, भी थोड़ा सा शेड्यूल चल रहा है भाई का, कभी यहाँ जाना कभी मेरे साथ कुछ हो जाता है, तो बहुत जल्दी जाएंगे रूबल भाई घर यार। वो बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, मतलब अगर ऐसा कोई मैं मानूँ कि बड़ा भाई कैसा होता है, तो भाई मैं राजीव और रूबल भाई को ही चाहता हूँ कि हर किसी बंदे को ना उनके जैसा बड़ा भाई मिले। बहुत सपोर्टिव रहते हैं यार, और जहाँ मतलब कि तुम्हें कोई सही चीज सिखानी होगी ना, तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे, और गलत को गलत बोलेंगे, और सही को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो। लक्की _जहांगीर_69, बाकी तो नाम ठीक था, 69 लिखा है। वेट कितना है भाई? ऐसे क्वेश्चन ना पूछते यार, ऐसे होगा 50-60 वेट भाई, थोड़ा सा ज्यादा हो रखा उमर भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जॉब बता दो कंपनी में काम करने के लिए। मेरे भाई मैंने तो आज तक जॉब करी नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं यार। जाओ भाई कंपनीज में इंटरव्यू दो अपनी एजुकेशन के हिसाब से, जहाँ आपकी एजुकेशन सेट बैठेगी और आपका सब कुछ सारा हिसाब किताब सही बैठ जाएगा, वहाँ आपकी जॉब लग जाएगी भाई। अगर मेरा इसमें मैं कुछ कर पाता तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब से कितना कमाते हो भाई? अभी बताया मैंने आपको कितना कमा लेता हूँ राजवीर भाई और आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक शर्मा, राजवीर भाई और आप कैसे कब मिले? बाय द वे बिग फैन भाई। राजवीर भाई और मैं, जैसे भी मैंने बताया आपको, हमारी जो स्टार्टिंग थी, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जिम में मिले थे। बट जिम में हम मिले कैसे थे ना भाई, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। मत तुम खुद गाओगे मयंक भाई बड़े हरामी हो, तुम मान गए। ऐसे भी कोई किससे फर्स्ट इंट्रोडक्शन अपना देगा भाई, बहुत खतरनाक वीडियो है, बहुत जल्दी लाऊंगा उसे भी। थोड़ा सा भी भाई मुंबई गए, मैं तो यार अकेले में उसे बोलूँ तो तुम्हें ऐसे कुछ समझ आएगा नहीं, तो फटाफट से भाई के साथ आके वो वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, राजवीर भैया के घर में कितनी कार है टोटल बताओ भाई? राजवीर भैया के घर में भाई 1, 2, 3, 4, 5 कार है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, divi_shukla25, एक्चुअली 700 कब आ रही है ये जानना, बिगेस्ट फैन ऑफ यू राजवीर भाई divi shukla। एक्चुअली 700 भाई बुकिंग तो करवाई दी है, उसकी 1.5 साल की वेटिंग बताई है, बट थार की भी 1 साल की बताई थी, बट आ गई थी ना जल्दी, तो टेंशन मत लो, जैसी कोई भी अपडेट आएगा तो बता देंगे, बहुत जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल राव 1061 सेटिंग कितनी है? कल लो बात बताओ सेटिंग कितनी है, इससे पूछ लो इससे कितनी है, बहुत लिए बैठा भाई। एक तो जाम खड़े है ना, यही की सेटिंग है इसकी, बता दे बता दो। वाह भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये _आकाश_राजपूत, आई लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, jat_only_jat9693, मयंक भाई और राजवीर भाई और संजीव भैया ट्रुथ और डेयर की एक वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाएंगे भाई, इसको भी करते हैं, किस दिन बैठाऊंगा सारे भाइयों को जब फ्री हो भाई। एक्चुअली संजीव भैया क्या है, संजीव भैया ना थोड़े से मतलब बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बट वो गुस्सा मतलब वो बोलते हैं नॉर्मल है, बट हमें लगता है ना सामने को लेकर रूडली बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा भाई वो बड़े हैं ना, तो उनसे हम ज्यादा मस्ती मजाक करते नहीं भाई, डर भी लगता है यार बड़े भाई कब चाटे वाटे लगाते क्या पता, तो इसलिए कोई नहीं भाई, बाकी पिट लूंगा पर ये वाली वीडियो भी लेके आऊंगा। और भाई थोड़ी सी इसे इग्नोर करना, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब चल रही है, 8 दिन से बेड पे था, आज उठाऊं जाके, तो इसलिए सबसे पहले वीडियो बना। देव ठाकुर 5540 योर मंथली इनकम, भाई मैंने मंथली इनकम बता दी अभी आपको, थोड़े बहुत आ जाते हैं जो अपने खर्चे निकल जाते हैं, और ऐसे कुछ खास कोई इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती। देव ठाकुर 5540 जेनुइन स्टीरॉइड कहाँ से बाय कर सकते हैं कॉम्पिटिशन खेलने के लिए भाई? इस बारे में नो आइडिया भाई। व्हाट डज योर फादर डू? भाई जैसे मैंने बताया था, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और मेरे फादर लॉयर भी हैं, तो भाई ये दोनों चीज़ें हैं। मेरे फादर दिल्ली हाईकोर्ट और 30,000 में एडवोकेट हैं, और हमारा बिजनेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रविंद्र, गिव अवे करना चाहिए भाई, चाहे सेकेंड हैंड यूज फोन का ही क्यों ना हो, तो भाई इसका फोन में ये वाला जो इसे गिव अवे कर देते हैं। चलो भाई इस पे भी ध्यान देंगे, और बताओ। और भाई आज तक तो मैंने बोला नहीं, आज बोल रहा हूँ यार, तुमने मेरे को 17,000-17,500 सब्सक्राइबर पे अटका दिया, कम से कम 20,000 तो करा दो। व्यू बराबर दे रहे हो, सब कुछ बराबर दे रहे हो, बट भाई थोड़े से यार सब्सक्राइब पे भी ध्यान दो अपने भाई का, ऐसे मत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन वी डू अ वीडियो कॉल, divi shukla 25, कैन वी डू वीडियो कॉल, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन ऑल्सो टू यू भाई, एंड बात कहूँ दिल से लव यू। अरे मेरे भाई लव यू टू, और भाई बिल्कुल मैंने तुम्हारी आईडी देख ली है, ये वीडियो डाल दूं उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे पक्का मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम सारे भाई हो तो वीडियो कॉल कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी, अपने भाइयों से तो कर ही सकते हैं, तो करेंगे भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, jat_only_jat_9693_ भाई तेरे में तो क्वेश्चन कवर कर देता मैं, तुम्हारा यूजर नेम है। क्वेश्चन देख क्या है भाई, ये राजा भैया का ताला चाबी का क्या सिस्टम है? यार भाई मेरे घर वाले भी वीडियो देखते हैं, मान जाओ
नहीं तो मैं तुम्हें इसे ऐसे एक्सप्लेन करता ना, हो सकता राजा भैया भी शर्मा जाते कि कुछ ज्यादा ही खुल के एक्सप्लेन कर दिया। छोड़ो भाई, इस क्वेश्चन को वैसे बता दूंगा मैं कभी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। इट्स अंडरस्कोर लक्की शान, यस ब्रो लव यू टू मेरे भाई। अलोन अंडरस्कोर डॉट बॉय अंडरस्कोर 001, भाई आप शादी कब करोगे प्लीज रिप्लाई। भाई जब घर वाले करा दे यार, मैं तो कहता क्या थक गया, करा ही नहीं रहे, मेरी बात को सीरियस ही नहीं लेते। यार अभी मजाक छट के भाई, कोई उम्र थोड़ी है, अभी 2-3-4-5 साल 6 साल मौज लेने दो भाई को। तुम्हें भाई तुम्हारा हंसता खेलता कमाता घूमता फिरता अच्छा लगता क्या? तो मुझे फांसी पर टांग रहे हो। कर लेंगे शादी भी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी होगा बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश चौधरी 4673। राजवीर भाई और आपकी जोड़ी एक नंबर लगती है, भगवान करे आपकी जोड़ी सदा ऐसी रहे, लव यू भाई। अरे मेरे भाई लव यू टू, इवन एवरी वन विश द सेम कि भाई हमारी जोड़ी ऐसी रहे और भगवान करे ऐसी रहे, कभी कोई दिक्कत ना हो, टच वुड। और भाई बाकी आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, लव यू मतलब लव यू बहुत सारा, तो सारा प्यार देने के लिए भाई वर्ड नहीं होता यार। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाता है ना, मैं थोड़ा सा सेंटी हो जाता हूँ। तुम्हारा भाई थोड़ा सा है इमोशनल, ऐसी बात नहीं है, इसकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ साले की। इट्स अंडरस्कोर फरान अंडरस्कोर 8, आई वांट टू मीट यू एंड राजवीर भाई ब्रो टू। बिल्कुल मेरे भाई, मोस्ट वेलकम, आओ कभी भी नोएडा, जरूर मिलेंगे अपने सारे भाइयों से। यार कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कवल अंडरस्कोर फिटनेस अंडरस्कोर 2.0, लव यू टू मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अलीगढ़ कब आ रहे हो? भाई अलीगढ़ के अभी सच नो प्लान्स, अगर आना हुआ तो मेरे भाई जरूर बताऊंगा। प्राइवेट 7974, आपकी इनकम कितनी है? सिर्फ यूट्यूब नहीं बाकी सब मिलाकर मैं इनकम टैक्स से हूँ। अब तो बिल्कुल ना बताऊं कितनी है, ये तो मुझे लास्ट में मेंशन करना, मैं इनकम टैक्स से हूँ, तो बस कुछ नहीं है भाई, इनकम उधारी चल रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पहाड़ी क्या कर रहा है आजकल? पहली बात तो यार बड़े हैं हम सबसे भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करो, पहाड़ी भाई बोल दिया करो, थोड़ा सा देखा करो यार एज का है ना। तो भाई पहाड़ी भाई एकदम बढ़िया मजे में हैं, उनके भी शूट वूट चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मैसेज कोई बात नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, पहाड़ी भाई दिखते। तो भाई उनके और भी शूट्स होते हैं, उन्हें कभी कहाँ जाना है कभी कहाँ जाना है, तो हम सब मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेमतलब मैंने अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि पहाड़ी भाई नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। भाई हम लोग मिलते हैं, हर चौथे पांचवें दिन मिल जाते हैं भाई, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ, कभी किसी के साथ, कोई इवेंट कवर कर रहे हैं। तो भाई इसलिए थोड़ा सा टाइम का मिसमैच हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर शिव, मिस्टर डॉट शिव अंडरस्कोर तोमर, व्हाट आर यू स्टडिंग? बाय आई एम स्टडिंग राइट नाउ BLLB एंड आई एम इन फाइनल ईयर। ओके ईशान अंडरस्कोर, दुबई के चक्कर कब लगेगा भाई? भाई दुबई का चक्कर तभी लगेगा जब तुम टिकट भेज दोगे। तुम टिकट भेज दो, मैं कल आ जाऊंगा दुबई। _darksaid_ भाई इतने खतरनाक नाम मत रखा करो, ये छोड़ तो ये पर। नो क्वेश्चंस ओनली सजेशन लिसन .. प्लीज यू एंड राजवीर भाई वेयर सीट बेल्ट्स। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने भाई, सीट बेल्ट लगवा के ही मानोगे? रुको देख लो भाई वीडियो में तुम्हारे सामने, पकड़ियो कैमरा पकड़ियो, खड़ी गाड़ी अभी रुको भाई भी लगा दो। हाँ यार वैसे खड़ी गाड़ी में पागल नहीं है सीट बेल्ट, चलो कोई मेरे भाई ने कही है तो सीट बेल्ट अभी लगेगी, खुलना दे अभी। हाँ जी क्या मतलब, ठीक है भाई तुम्हारे कह रहे तुम्हारे भाई ने सीट बेल्ट लगा ली, ठीक है यार वैसे अनकंफर्टेबल हो रहा है भाई, गाड़ी चलाते लगा लूंगा यार प्लीज। अब जैसी गाड़ी चलेगी तब लगा लूंगा पक्का प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यार बाल कैसे हो रहे हैं ये। राजपुताना _111, राजवीर भाई और तुम शादी कब करोगे? यार शादी के पीछे कैसे भाई, हम तुम्हें हंसते खेलते हा हा हू हू करते पैसे कमाते मौज लेते अच्छे नहीं लग रहे क्या? तुम भाइयों को एंटरटेन करते हुए शादी के पीछे पड़ गए हो, क्यों हमारा फांसी का फंदा बना रहे हो? कर लेंगे वो भी कर लेंगे कोई नहीं। Sohail.Salmani0786, भाई स्कॉर्पियो का फेस लिफ्ट आ गया। हाँ भाई आया तो है, अभी उसका वेट है, एक बार रोड पे देखते हैं कैसी लगेगी। Brown.Boy69M, भाई वेट कब कम कर रहे हो? हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लव यू भाई। भाई देखो ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें सही बताऊं, मैंने भी 7-8 दिन पहले भी चालू की थी, बट मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो उस वजह से वो मैंने फिर दोबारा वहीं रोकनी पड़ गई। चलो बता ही देता हूँ यार, मेरी एक्चुअली जो दादी थी उनकी डेथ हो गई है, तो मैंने भी थोड़े दिन पहले स्टार्ट की थी भाई। जिस दिन मैंने स्टार्ट करी तो उसी दिन रात में ये सीन हो गया था, तो फिर यार मन हट गया। थोड़ा सा ये है कि 3-4 दिन और जो थोड़े से घर में वो होते हैं रिचुअल्स और वो सब तेरवी वगैरह वो हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा, और जिस दिन स्टार्ट कर दूंगा उस दिन मैं भाई तुम्हें यूट्यूब पे भी अपडेट दे दूंगा, और भाई मैं नेचुरल जाऊंगा, पिछली बार की तरह बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, ठीक है। तो यही सीन है ब्रो, खोलो इसको जरा, बंद हो गया ये तो। दूसरे का फोन मांग के नहीं क्वेश्चन पढ़ना बड़ा मुश्किल है, फोन जल्दी लेना पड़ेगा दूसरा, ठीक है।
ऑफिशियल ब्रांड 16_ इतनी मस्त वीडियो बना कैसे लेते हो? थैंक यू सो मच ब्रो, कभी घमंड नहीं करा। अरे मजाक करो यार भाई, देखो मैं तो नॉर्मल जैसा हूँ वैसी वीडियो बनाता हूँ, और बाकी अगर भाई आप लोगों को इतनी पसंद आए तो उसके लिए थैंक यू दिल से, लव यू सो मच मेरे भाई। ऐसे अप्रिशिएट करते रहा करो भाई को, अच्छा लगता है। कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, रे कैसे करोगे, सारे ही पढ़ा के मानोगे मुझे, बता तो दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अपनी कोई स्कूल की बेस्ट कहानी या कोई ऐसा मेमोरी बताओ जो तुम्हें कभी तुम भूल नहीं सकते। भाई क्या पूछना चाह रहे हो, कभी तुम कभी ये? तो भाई तुम्हारा भाई, जब तू सुन ध्यान से, जब भाई मैं फोर्थ क्लास में था ना, तो तुम मुझे पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, हो सकता मैं किसी दिन अपनी मासी से पूछूंगा ये चीज, मैंने 3 महीने बंक मारे थे लगातार। तेरी कसम, मम्मी कसम, झूठ नहीं बोल रहा। घर से निकलता था, ऑटो लगा हुआ था मेरा पर्सनल, घर से निकलता था ठीक है, स्कूल ही पहुंचता था और पता कहाँ जाता था, तू वैसे पागल होता है मुझे, 3 महीने पार्क में बैठा हूँ भाई कसम से, मैं मुझे पता नहीं क्या था, अकेला 1.5 महीने तो भाई मैं अकेला बैठा था, फिर 1 महीने मैंने 2 बंदे ऐड कर दे स्कूल से, मैं यार तुम भी आओ, मजा नहीं आ रहा भाई। 3 महीने हम धूप में, सड़ी धूप में पार्क में बैठा था मैं, स्कूल घर से लंच लेके जाते थे, अपना पता नहीं क्या करता था पागलपन थी, ऑटो से गया, ऑटो वाले को चौथी क्लास में भड़काया था, मैं साले पार्क में उतार मुझे, और इतना पागल था उतार देता था यार। भाई मैं पार्क में उतर के अपना 3 महीने पार्क में बैठे हम, सोचो, और वही लंच करना, वही अपना बढ़िया, उसके बाद 2 बजे छुट्टी होती थी, 1:50 पे वो लेने आता था, मैं पार्क के बाहर मिल लियो, पार्क के बाहर से मैं उठाता था, हम कपड़े झाड़ के घर, मम्मी आ गए पकड़ा गया भाई, मैं पकड़ा ऐसे गया, मैं 3 महीने बाद गया स्कूल, तो 3 महीने स्कूल में गया, मैम कहती बेटा कहाँ थे, हाँ बच्चा बुद्धि, मैंने कहा मैम मेरी तबीयत खराब थी, तो मैम ने पीछे डायरी में नोट लिख दिया, ठीक है अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप घर से एक मेडिकल वो ले आना कि आपकी ऐसे तबीयत खराब थी, इसलिए आप 3 महीने नहीं आए। अब हम फिर पन्ने खा बने, हमने वो डायरी का पेज ही फाड़ दिया लास्ट वाला, हम घर चले गए, घर में डेली डायरी चेक होती थी, उसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगले दिन गया, मैम ने कहा बेटा साइन करा कर लाया, मैंने कहा मैम भूल गया, मैम ने कहा चलो कोई नहीं छोड़ देती हूँ, मैम ने कहा कल गया ना, मैं फिर नहीं करा गया, मैम ने फिर अगले दिन नोट लिखा, मैम ने देखा उसमें तो पेपर ही नहीं है, वो फटा पड़ा है, हमारे मैम की दिमाग चला, मैम ने कहा कुछ तो गड़बड़ है भाई, पर मैम का फिर भी शक नहीं गया यार, छोटा बच्चा 3 महीने कैसे बंक मार लेगा, है ना। बट मैम ने उस दिन फोन घुमा दिया घर पे कि जी ऐसे ऐसे मयंक 3 महीने स्कूल नहीं आ रहा था, इसकी तबीयत खराब थी तो आप इसका मेडिकल लगवा दो। तो मेरी मौसी कहती 3 महीने स्कूल नहीं आ रहा, डेली तो मैं तो छोड़ के आती हूँ गेट तक, डेली ऑटो में बैठता है, डेली तो इसकी तबीयत, कौन सी तबीयत खराब थी मैम, 3 महीने तो स्कूल आ रहा है, एक भी दिन छुट्टी नहीं हुई। मैम कहती 3 महीने तो स्कूल ही नहीं आया ये भाई। उसके बाद हम स्कूल गए, हमारी मौसी पहुंची, हम बढ़िया पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, वही अपना मजे ले रहे थे कॉपी से, भाई दम से मौसी क्लास में घुसी, मैंने कहा ये कैसे आ गई, मैम ने बुलाया बेटा प्रिंसिपल मैम बुला रही है, मैंने कहा लग रहा है कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, 3 महीने तबीयत खराब थी ये वो, पर मैं समझ गया था, मैं कहा भाई तू आज गया। भाई हम अंदर गए, मैम ने ऐसे बताया कि मैंने नोट लिख के दिया, आपने साइन करके दिया, हमारी मौसी ने कहा हमें तो कोई नोट ही नहीं मिला। अब फिर भाई हमारी डायरी चेक हुई, उसमें पेज फटे हुए दिख गए। उसके बाद मौसी ने मुझे बड़े प्यार से बोला, कह बेटा चल कुछ नहीं, घर चल, कुछ नहीं कहूंगी, तू चल कोई ना, बच्चा हो जाता है। मैं मन में कह रहा, मैं कहा है 3 महीने बंक मारा कुछ कह ही ना रहे, ठीक है भाई। हम मस्त अपना घर गए, तो जैसे ही घर के अंदर घुसते थे ना, लेफ्ट साइड में पेड़ था, पता नहीं साइड कौन सी वो पतली डंडी आती है, कौन सी वो होती है भाई, शहतूत की टहनी, मौसी ने वो डंडी थोड़ी बड़े प्यार से, मैं कह रहा क्या हुआ, कह रही बताती हूँ। ओ भाई उसके बाद जो मेरे में बजना चालू हुआ, मैं कहा मौसी मौसी, भाई कसम से बहुत पिटा था मैं बहुत, बट उसके बाद फिर तुम्हारे भाई ने 12th तक बंक नहीं मारे। उसके बाद मैं भाई भगवान कसम, मैं संडे को भी ना इतना खौफ में था, 1 महीने तो मैं संडे को भी तैयार हो जाता था, भाई आज संडे है स्कूल नहीं जाना, मैं कहा मैं जाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे बहुत किस्से हैं बताऊंगा, और भाई ये वीडियो में सबसे आधे घंटे से ऊपर खिंच चुकी है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, तो ये वीडियो में सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगा, और 2-3 दिन में भाई राजवी भाई वाला पार्ट ले आऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आई होप तुम्हें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है तुम्हें अच्छा सा आंसर मिल गया होगा, बस एक क्वेश्चन जो राजवीर भाई वाला है वो मैं राजवीर भाई के साथ वीडियो लाऊंगा, तो कोई तुम्हें ज्यादा अच्छे से तक तुम्हें तुम्हें क्या बोल गया, ताकि तुम भाइयों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो भाई ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, ओके भाई बाय, सारे अपना ध्यान रखो, लव यू ऑल।